सब्जेक्ट बायोलॉजी हिंदी मीडियम क्लासेस हिंदी मीडियम क्लासेस। आज का टॉपिक पोलिनेशन परागण। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं स्वपरागण का, जिसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। जिसे फिगर ए कहते हैं। इसमें एक छोटा प्लांट पौधे बनाते हैं जिनमें पुष्प भी बना देते हैं। दूसरा फिगर बी स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। इस प्रकार दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन। आज का टॉपिक पोलिनेशन, जिसे परागण कहते हैं। परागण क्या है सबसे पहले हम ये देखते हैं। पराग कणों के पराग कोशों से स्टिग्मा, जिसे हिंदी मूर्तिकाग्र कहते हैं, तक पहुंचने या स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। पराग कणों के पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुंचने या ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। इंग्लिश में पोलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड पोलिनेशन। एक बार पुनः देखिए। पोलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। इस प्रकार परागण की परिभाषा है। परागण को अर्थात पोलिनेशन को दो भागों में बांटा गया पहला है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। हिंदी में कहते हैं स्वपरागण। पर
परागण। अब हम देखते हैं कि स्वपरागण तथा परपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण में स्वपरागण की परिभाषा, एक पुष्प के परागण जब उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। जब एक ही पौधे में लगे एक ही प्रकार के पुष्प एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागण या परागकण स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। जैसे फिगर में आपको दिखाया गया एक पुष्प पर एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के ऊपर अर्थात दूसरे पुष्प पर जब पहुंचता है तो इसे सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं, एक पुष्प के परागण जब उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। इस प्रकार परपरागण के स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर होता है। जैसे जब इसमें द्विलिंगी पुष्पों में परपरागण एक सामान्य प्रक्रिया है। परपरागण में पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अर्थात जब एक ही जाति के लगे दो पौधे अलग अलग होते हैं, एक पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प पर अर्थात दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर परागकण पहुंचने की प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। इस प्रकार दोनों में डिफरेंस है, स्वपरागण में और परपरागण। स्वपरागण से कुछ लाभ हैं, जैसे स्वपरागण यूज, इसमें पौधे में पराग कण के लिए अदर या बाह्य
कीटों की कम आवश्यकता होती है। दूसरा लाभ, स्वपरागण में आसानी से परागण की क्रिया होती है। तीसरा पॉइंट, स्वपरागण में बीज हल्के होते हैं, यूं काफी होते हैं, अधिक होते हैं। चौथा पॉइंट, स्वपरागण में फल से प्राप्त बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। इस प्रकार से स्वपरागण से कुछ लाभ हैं तथा स्वपरागण के कुछ हानि भी होते हैं। जैसे स्वपरागण में पौधे के बीज बड़े नहीं होते। दूसरा पॉइंट, स्वपरागण से हम इनमें नस्लों में विभिन्नता होती है। तीसरा पॉइंट, स्वपरागण में बीज जो है हेल्दी नहीं होते, स्वस्थ नहीं होते। चौथा पॉइंट, स्वपरागण से हानि में पुष्पों की संख्या अधिक होती है, लेकिन उसकी अपेक्षा में परागण कम हो पाता है। इस प्रकार से स्वपरागण से लाभ भी होते हैं तथा हानि भी होते हैं। परपरागण से भी लाभ होते हैं और कुछ हानि भी होते हैं। इन दोनों के लिए एडाप्टेशन का होना, अनुकूलन का होना कंपलसरी होता है। थैंक यू।